काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। सभी परम श्रद्धेय संतों के श्री चरणों में मेरा विनम्र नमस्कार है। आपके सामने मैं क्या बोलूं? आप तो धर्म स्थापना के नर, रामदास स्वामी के शब्दों में है, धर्म स्थापनेचे नर ते ईश्वराचे अवतार, झाले आहेत, पुढे होणार, देणे ईश्वराचे। ये बहुत अमूल्य ऐसी देन भारतवर्ष में हमको मिली है कि हमारे यहाँ धर्म स्थापना के नरों के अस्तित्व का प्रवाह अक्षुण्ण, अखंडित आदिकाल से अब तक चल रहा है कि बहुत से राष्ट्र दुनिया में आए चले गए। भारतवर्ष तब भी था, आज भी है, अंत तक रहेगा, क्योंकि धर्म देने का उसका काम है और धर्म स्थापना के ये सारे मेरुमणि उसमें सदैव विद्यमान रहकर ये धर्म देने के काम के लिए भारतवर्ष को सबल बनाते रहते। तो वही करने का समय है, हम तो जानते हैं, क्योंकि योगी अरविंद ने जैसा कहा था, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और सनातन धर्म के उत्थान की इच्छा भगवान की इच्छा है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण परमात्मा ने साक्षात होके उनको बताई थी और इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान अवश्यंभावी है। तो वो प्रक्रिया चली है। उनके पहले स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि क्या कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि विश्वगुरु पद के सिंहासन पर पुनः विराजमान होकर भारत माता अपने दोनों करों से सारे विश्व को अभय प्रदान करने वाली है। तो वो समय चल रहा है। अब समय तो चलता है, लेकिन समय का लाभ लेना पड़ता है। उसके लिए धर्म देने वाला समाज स्वयं धर्मनिष्ठ चाहिए। आज हम देखते हैं कि अपने समाज को अपने धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। परंपरा से कर्मकांड तो करता है, लेकिन उसके पीछे जो ज्ञान है सुबोध शब्दों में कोई बताने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे आस्था समाप्त होती है, वो कर्मकांड भी क्षीण होने लगता है। तो धर्म के कर्म क्षीण होते हैं और फिर कर्म में धर्म नहीं रहता। इसका लाभ जो दुनिया के गिद्ध प्रवृत्ति के लोग हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लेते हैं और वो उनको अपने उपासना मार्गों से, अपने संस्कृति के संस्कारों से दूर ले जाते हैं। ऐसा जाने के बाद आध्यात्मिक उन्नति अधिक होती है। तो हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता है, आप अपनी पूजा चुनो वैसी करो, आपको संतोष नहीं है तो बदलो। परंतु बदलो किस लिए? तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति अधिकाधिक हो, वैसा तो होता नहीं। तो अपने जड़ों से कटकर देश के ही विरोधी क्रियाकलापों के सहायक ऐसे लोग बनते चले जाते हैं, ये अनुभव है, शतकों का अनुभव है, आज भी है। तो ऐसे भारतवर्ष बनेगा नहीं धर्म देने लायक। इसलिए पहुंचना, सेवा करना आदि आदि समाज के करने वाले अनेक लोग हैं, संघ भी सेवा करता है, लेकिन ये सब करते हैं हम, उनको जोड़ते हैं, थोड़ा देर वो टिके रहे, अपने पैर गड़ाकर प्रतिकार करे, न बदले, इसकी हिम्मत उनमें उत्पन्न करते, लेकिन
प्रत्यक्ष उस धर्म का स्पर्श अपने अपने संप्रदाय के माध्यम से उनके हृदय में वो अनुभव करे, ये काम तो आप ही लोग कर सकते हैं। और इसलिए इस काम में हम सबने लगने की आवश्यकता है। हमको किसी दूर देश में जाकर दूसरे मत के लोगों को अपने मत में लाना नहीं है, हमारा सनातन धर्म उसमें विश्वास नहीं करता। हमको अपने ही देश में परंपरा से अपने इस सनातन संस्कृति के प्रवाह में भारतीय मतों को मानने वाले लोगों में जो विचलन आ गया है, विकृति आ गई, उसको दूर करके उनको धर्म की जड़ों के में पक्का स्थापित करना है। और इसलिए अपना ये काम वैधानिक दृष्टि से भी और नैतिक दृष्टि से भी सत्य कार्य है, और धर्म में जागृत करना लोगों को ये तो स्वयं भगवान का काम है, ईश्वरीय कार्य है। तो उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। कभी बाहर की परिस्थिति का विचार करते हैं तो ऐसा लगता है क्या होगा, कैसे होगा, इधर से घिर गए, उधर से घिर गए, वो चढ़े आ रहा है, ये चढ़े आ रहा है, तो बौखला जाते हैं। बौखलाने की कोई जरूरत नहीं। हम सब लोग जितने सक्रिय होंगे, और जैसे मैं संघ के कार्यकर्ताओं को जितना अधिक सक्रिय करूंगा, संत समाज में आप लोग सबको जितना जोड़ लेंगे और सक्रिय करेंगे, उतना जल्दी ये ठीक होने वाला है। क्योंकि ये जो होता है उसकी अपनी ताकत कुछ नहीं है। हमारे पास सत्य है धर्म के रूप में, करुणा है, शुचिता है, तपस है, उसमें एक खोखलापन है, उसमें एक स्वार्थ है। उनका जो जनबल, धनबल, संगठन बल, सत्ता बल दिखता है, उसके पीछे कुछ नहीं है आधार के लिए। और इसलिए धर्म के आधार पर बलवान होकर कोई खड़ा सामने दिखता है तो दिखने मात्र से ही वो बिखर जाते हैं। हमको केवल इतना करना है कि अपने समाज को अपने जड़ों में खड़ा करना। ये समझ में लेकर हमको अपने लोगों को जागरूक रखना है, जागरूक करना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कह दिया, पहले तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले एक निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि लोभ लालच जबरदस्ती से मतांतरण ये ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की राय अगर ये है तो कानून बने ना बने, वो काम तो अवैध है। कानून रहता तो कार्रवाई होती, कार्रवाई नहीं होती तो क्या हुआ। हम ऐसा न हो इसलिए अपने समाज के बचाव के लिए तो सब कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है इसलिए करते नहीं है, पहले से हम कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के समय भी हुआ था, उसके पहले देवल ऋषि ने किया था, उसके बाद कई लोगों ने किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद जी, मसूर आश्रम के मसूरकर महाराज, कितने ही लोगों ने, उड़ेरो लाल जो जिनको कहते हैं सिंधी समाज में, उनका तो अवतार इसीलिए हुआ। तो ये हमारी परंपरा है कि सत्य में हम सबको स्थापित करते, किसी दूसरे को बदलने की चेष्टा नहीं करते। लोग आए भी है, रमण महर्षि के पास आए पॉल ब्रंटन नाम के सज्जन, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू होना चाहता हूँ। उन्होंने क्यों होना चाहते हो, तो मुझे अच्छा मनुष्य बनना है। तो उन्होंने कहा तुमको जो पूजा मिली है परंपरा से, ईसाई पूजा मिली है, वो तुम प्रामाणिकता से करो तो तुम अच्छा आदमी बनोगे, तुमको हिंदू होने की क्या आवश्यकता। ऐसे हम लोग हैं, इसलिए हम कहीं दूसरे देश में दूसरों को बदलने नहीं जाते, लेकिन हमारे देश में हमारे लोग इस सबको आत्मीयता से देखने वाली संस्कृति धर्म में पक्के बने रहे, ये करेंगे तो ये चलेगा। इसलिए हमको ये करना है, और बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है, करते रहना है, बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं करना है। इसलिए मैं भी आपको बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन सारा उसमें इतना जरूर बताऊंगा कि जैसे जैसे देश खड़ा हो रहा है, वैसे वैसे
जो नुकसान हुआ है वो पूरा होने के आसार अधिक अधिक पक्के हो रहे और होंगे, क्योंकि दूसरी गति नहीं है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के मूल्यों संस्कारों पर आधारित जीवन मनुष्य का बचाव करेगा, उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। हमारे यहाँ सनातन धर्म संस्कृति इन शब्दों का उपयोग करते, बाकी लोग उन शब्दों का उपयोग नहीं करते, लेकिन वही बताते हैं। पर्यावरण के मामले में वही बताते, परिवार टूट रहे उसके मामले में वही बताते। तो ये सब लोग अब दुनिया भर के लोग याद कर रहे हैं और धीरे धीरे भारत के मुखापेक्षी हो रहे, भारत से लेंगे, भारत से क्या लेंगे, वही धर्म लेंगे। धर्म देने वाला भारत, ये सबकी आवश्यकता है, उसको पूरा करने का अपना काम है। हम करें, पक्केपन से करें, लोगों को धर्म संस्कार नीति वो ठीक रहे, इसलिए नित्य कर्म का अपने अपने संप्रदाय का जो अभ्यास है वो उस संप्रदाय में हम फिर से स्थापित करें, तो नित्य कर्म से धर्म भावना संस्कृति के संस्कार पक्के होते हैं, और जो आदमी उन जड़ों में पक्का हो जाता है उसको इधर उधर की हवा भटका नहीं सकती, कठिन परिस्थिति डिगा नहीं सकती। हमारे देश में इस धर्म के लिए बहुत घोर कठिन परिस्थिति में बलिदानों की भी परंपरा रही है और यशस्वी परंपरा रही है। एक 100 साल के अवधि में पूरा का पूरा बदल देने वाले लोग यहाँ पर आए और सैकड़ों साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारी जड़ें ये पक्की की है, इसलिए उसको उखाड़ने का प्रयास होता है आजकल। तो समाज को ज्ञान रहे तो वो छल कपट को पहचान सकेगा। छोटे छोटे प्रश्न कपटी लोग उनके सामने उपस्थित करते हैं, अरे जिस भगवान के पत्नी को कोई उठा के ले गया और उसने चमत्कार नहीं किया, उसको जंगल में रहने वालों की सहायता लेनी पड़ी, वो कैसा भगवान है, ऐसा वो पूछते हैं। न जानने वाला हमारा भोला भाला व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है, सोचने लगता है। उसका कारण ये है कि उसको रामायण तो पता है, चौपाइया कहता भी होगा रोज, कंठस्थ भी होंगी, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, ये उसको पता नहीं है। उसको इस दृष्टि से प्रबुद्ध तैयार बनाना पड़ेगा। सभी रास्ते समान हैं तो क्यों नहीं बदलते, ऐसा भी पूछते लोग। उसको पता नहीं है कि गुलाबराव महाराज जो थे माधान के प्रज्ञाचक्षु, उन्होंने पहले इसको उत्तर दिया कि सभी धर्म समान है तो आप हमारे धर्म में क्यों नहीं आते। तो उन्होंने कहा सभी धर्म समान है तो किसी दूसरे धर्म में जाने की जरूरत क्या है, जहां हमें वही ठीक है। अब ये और दूसरी एक और बात है, वैसे भी ये सब होने के बाद भी हमारे लोग नहीं बदलते, श्रद्धा इतनी पक्की है, परंतु जब उनका विश्वास उठ जाता है कि हमारा समाज हमारे साथ है तब वो बदलते। मध्य प्रदेश में 150 साल से ईसाई बने थे गांव के लोग, पूरा का पूरा गांव वापस आ गया कल्याण आश्रम के प्रयास से। पत्रकार गए, उन्होंने पूछा भाई ये मिशनरी लोगों ने इतना सुंदर हॉस्टल खड़ा किया है और एक भव्य हॉस्पिटल यहाँ बनाया है, ये कल्याण आश्रम वाले तो हफ्ते में एक दिन एम्बुलेंस भेजेंगे, डॉक्टर भेजेंगे, और इनका छात्रावास तो झोपड़ी में चलता है, तो आप क्यों बदल रहे हैं, क्यों, क्या मिलेगा आपको। उन्होंने कहा देखो जी 150 साल पहले हम मरने वाले थे, कोई हमको देख नहीं रहा था, हमको लगा हमारा समाज हमारे साथ नहीं है, हमारा हौसला टूट गया। उस समय ये मिशनरी आ गया, उसने कहा मैं भात खिलाता हूं तुमको लेकिन ईसा का नाम लो, हमने कबूल कर लिया। लेकिन 150 साल के बाद 30 साल पहले कल्याण आश्रम वाले आए, वो यहां काम कर रहे, हम देख रहे, तो हमारे ध्यान में आ गया कि हमारे समाज ने हमको छोड़ा नहीं है, समाज में लोग हैं जो प्रामाणिकता से काम करते हैं, समाज हमारे साथ है। तो अगर समाज हमारे साथ है तो हमको ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं चाहिए, हम रहेंगे झोपड़ी में, हम भात के लिए अपने भगवान को बेचने वाले लोग नहीं है, ऐसा उत्तर उन्होंने दिया। ये दूसरी आवश्यकता है।
हमारे ही लोग हैं, उनको हम नहीं देखते, हम जाकर पूछते नहीं। हजारों मील दूर से कोई मिशनरी आके उसमें रहता है, उनका खाना खाता है, उनकी भाषा बोलता है और फिर उनको बदलता है। और इसलिए सर्वत्र संचार, सर्वत्र पहुंचना, सर्वत्र सेवा, ये तो आप और हम दोनों कर सकते हैं और करनी चाहिए। लेकिन इस सारे उद्यम में जब तक आपका अधिष्ठान और आपका आशीर्वाद और आपकी अधिकृत वाणी से जड़ों तक की समझ समाज में उत्पन्न करना ये होता नहीं, तब तक ये काम पक्का होता नहीं। और इसलिए बड़ी कृपा है, कुछ वर्षों से आप सब लोग लगे हैं, मैं जानता हूँ कोई नई बात मैंने बताई नहीं, लेकिन अब कुछ बोलना था आपके सामने। तो आप जो कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, वो जैसे दिखता है वैसा का वैसा मैंने आपको बता दिया। यही चलता रहे, बहुत शीघ्र धर्म के मूल्यों के आधार पर चलने वाली दुनिया भारत को देख के खड़ी होने लगेगी। इसको अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, 20-30 साल में हम सतत ऐसे चलते रहे तो ये परिवर्तन सारी दुनिया में, पहले भारत में बाद में दुनिया में आने वाला है। भारत में पूरा हो जाएगा, दुनिया में शुरू हो जाएगा। वो प्रसंग अपनी आंखों से हम इसी देह में रहकर देख सकते हैं, इतना तो वो नजदीक है। सतत हमको करना पड़ेगा, जैसे अभी कर रहे, और थोड़ा गति से और थोड़ा मिलजुल कर ऐसा करें। तो इस काम में संघ के कार्यकर्ताओं की जहाँ कहीं आपको जैसी मदद चाहिए, आप निसंकोच स्थानीय कार्यकर्ताओं को बताइएगा, मुझे बताएंगे तो वहां तक जाने में समय लगता है, संघ में नीचे से ही काम होता है। तो अपने कार्यकर्ताओं से नित्य संपर्क रखना और जब जो चाहिए बताना, जितनी उनकी शक्ति है उतनी सहायता के लिए वो सब तत्पर है। इतनी एक बात आपके सामने रखता हूं और मेरे शब्द समाप्त हूं।